जब एक घर बेहतर होता है ना, एक घर अच्छा, उसकी अच्छी इनकम हो, वो अच्छा कमाता हो, वो अपने घर वालों को फैसिलिटेट करता हो, तब वो नेबर की सोचेगा, तब वो कहेगा कि यार आज मेरा नेबर भूखा सोया, चलो मैं आज उसको कुछ खाना दे दूं। हम हैं ही भूखे, हम खुद ले रहे हैं, हम एड्स लेते हैं, हमें तो भाना चाहिए। अर्थक्वेक है इस मुल्क में, सैलाब है इस मुल्क में, हम तो चाहते हैं कोई आफत आए, वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज़। हम कहते हैं कि कोई आफत आए तो हमें फंड्स पब्लिक नहीं, हमारे मतलब ऑब्वियसली वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना हम इंटरनेशनल लेवल पे, हम तो नहीं कर रहे ना, वही कर रहे हैं ना, वही हमारे रिप्रेजेंटेटिव। सर इंडिया से आप अपना मुआवजना ना करें, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, दुनिया का दूसरा बड़ा कंट्री है जो इंडिया है, आबादी के लिहाज से, इंडस्ट्री के लिहाज से भी ठीक है, इंडस्ट्री भी देखें जितनी चाइना में इंडस्ट्री है उतनी उस हिसाब से इंडिया में भी इंडस्ट्री है। हम हेल्प लेने वाले हैं, हम देने वाले नहीं है, हम हमेशा लेते हैं, देते नहीं है ना, हम इस पोजीशन में हैं। इंडिया में इतनी एजुकेशन है, आप किसी भी आउट ऑफ कंट्री चले जाए ना, हमारे भी उधर हमारे भी बंदे जाते हैं ना पाकिस्तान से बाहर काम करने के लिए, वो मजदूरी मिलेंगे आपको, चाहे इधर से आप MBA करके जाओ वो आपको मजदूरी रखेंगे। उधर जितनी भी सीटों पे लगे हैं सारे पढ़े लिखे इंजीनियर डॉक्टर वो बड़े वो इंडियन मिलेंगे। चाहिए दोस्तों, हाल ही में तुर्की और सीरिया में बहुत ही खतरनाक भूकंप आया है, बहुत सारे लोग अपने जान गंवा चुके हैं। इन्हीं बीच भारत सरकार ने तुर्की को सबसे पहले मदद करना शुरू कर दिया है। इन हवाले से पाकिस्तानी लोगों का क्या रिएक्शन है हम आपको दिखाने वाला है। ओरिजिनली इस वीडियो को रियल एंटरटेनमेंट टीवी के ओनर शोएब भाई ने शूट किया है, इसलिए सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। पाकिस्तान तो बिल्कुल भी कभी भी इस पोजीशन में नहीं हो सकता जो हमारा करंट सिनेरियो चल रहा है, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम हमारा पाकिस्तान का है, कि कभी भी वो किसी दूसरे मुल्क की हेल्प करेगा। हम हेल्प लेने वाले हैं, हम देने वाले नहीं हैं, हम हमेशा लेते हैं, देते नहीं हैं ना, हम इस पोजीशन में हैं। हैं या पहले कभी थे, पहले कभी किसी कंट्री को हेल्प की हो? पहले पास में तो हम थे, मतलब वो करते भी रहे हैं, ये नहीं कि नहीं, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है, अभी इस पोजीशन में नहीं है। अभी तुर्की की तरफ से तो हम खुद डिफॉल्ट होने जा रहे हैं ना, हमने क्या किसी की हेल्प करनी है। ठीक है, तुर्की के जो इंडियन एम्बेसडर हैं उन्होंने शुक्रिया अदा करते हुए ये बोला है कि दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए, इस अर्थक्वेक की पोजीशन में हमें इंडिया की तरफ से हेल्प की गई है। क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया क्यों, जैसे भी पैसे तो तासुर ये दिया जाता है इस्लाम के अगेंस्ट है, इस्लामिक कंट्री के अगेंस्ट है, लेकिन ईरान हो, अफगानिस्तान हो, तुर्की हो, कोई भी कंट्री जहाँ पर कोई मुश्किल टाइम आता है वहाँ पर इंडिया पहुँच जाता है, क्या इस पर कहना चाहेंगे? इंडिया तो देखें, इंडिया इकोनॉमिकली बड़ा ऊपर जा रहा है, वो डेवलप हो रहा है, हम अभी भी अंडर डेवलप हैं, हम अभी भी डिक्टेशंस बाहर से लेते हैं, हमारे मुल्क का कोई सिस्टम नहीं है, डेमोक्रेसी उधर तो है, इधर डेमोक्रेसी है ही नहीं, हमारे पास एक नाम नहासी डेमोक्रेसी है, कुछ भी नहीं है। और रही बात इंडिया की, इंडिया ने तो हेल्प करनी है, वो इकोनॉमिकली ग्रोथ कर चुका हुआ है, वो डेवलप्ड है। नहीं नहीं, जो तासुर दिया जाता है कि इस्लामिक कंट्री के अगेंस्ट है, तो फिर वो क्यों मतलब तुर्की की ना भी है? और सबसे पहले बड़ी चीज ये कि सबसे पहले उनकी तरफ से इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भाई हम हेल्प करेंगे। देखिए इस्लाम एक अपनी जगह पे वो तो ठीक है, लेकिन इंडिया ने अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप भी तो रखने हैं ना, तो हम नेबर नहीं है, हम नेबर है, हमारे साथ भी वो देखें, हमारा तो एक हॉट इशू है जो सदियों से चलता आ रहा है, जो मेरे नहीं ख्याल में कभी भी हल होगा इस कश्मीर का। हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम अपने मुल्क को चला सकें, हमने कश्मीर कैसे ले लेंगे, हम ले भी लेंगे तो हमने उसको भी तबाही करना है, तो वो देखिए ना, वो तो वो पाकिस्तान से हटके वो उसमें तो हमें ये नहीं चाहिए। एक वैसे एक क्वेश्चन रेज होता है ना यहाँ पे कि हमें ये नहीं चाहिए कि हम भी रिलेशन बेहतर कर लें। देखें सर, अगर अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री है उसने रिलेशन बेहतर कर लिए, बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है उसने रिलेशन बेहतर कर लिए, ईरान ने कर लिए, हम किस अना में किस जिद में फंसे हुए हैं और अपना नुकसान कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल अपना नुकसान ही कर रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। देखिए हमारा मुल्क अभी भी देखें डिवाइड हुआ पड़ा है, KPK अलग है, बलोचिस्तान अलग है, सिंध अलग है, पंजाब अलग है, बल्तिस्तान अलग है, हम खुद ही जब डिवाइड हुए हैं, जब तक हम खुद डेवलप नहीं होंगे, हम खुद यूनाइट नहीं होंगे, जब हम खुद अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे, हम किसी की क्या हेल्प कर पाएंगे? पहले तो हमने खुद को देखना है ना, स्वीप बिफोर योर ओन डोर, पहले हमने अपना देखना है, उसके बाद जो खामियां वो सबसे पहले हम अपना देखेंगे ना। जब हम इस पोजीशन में होंगे, जब एक घर बेहतर होता है ना, एक घर अच्छा, उसकी अच्छी इनकम हो, वो अच्छा कमाता हो, वो अपने घर वालों को फैसिलिटेट करता हो, तब वो नेबर की सोचेगा, तब वो कहेगा कि यार आज मेरा नेबर भूखा सोया, चलो मैं आज उसको कुछ खाना दे दूं। हम हैं ही भूखे, हम खुद ले रहे हैं, हम एड्स लेते हैं, हमें तो भाना चाहिए। अर्थक्वेक है इस मुल्क में, सैलाब है इस मुल्क में, हम तो चाहते हैं कोई आफत आए, वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज़। हम कहते हैं कि कोई आफत आए तो हमें फंड्स पब्लिक नहीं, हमारे मतलब ऑब्वियसली वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना हम इंटरनेशनल लेवल पे, हम तो नहीं कर रहे ना, वही कर रहे हैं ना, वही हमारे रिप्रेजेंटेटिव तो वही है। अब जैसे मुश्किल वक्त में इंडिया ने तुर्की का साथ दिया, एक नेचुरल सी बात है, कल को रिलेशन उनके साथ ज्यादा बेहतर होंगे या पाकिस्तान के साथ? आप क्या पाकिस्तान की फेवर में इंडिया के खिलाफ बोलेगा?
नहीं, वो तो देखें, जो अगर किसी की हेल्प करता है तो वो तो उसी को वेटेज देगा ना, और पाकिस्तान को उसने क्यों देना? पाकिस्तान ने भी देखें, पाकिस्तान ने भी लीगल एड भेजी है, उस लीगल एड कह रहा हूँ आप, सिर्फ सिर्फ मैन पावर भेजी है, बंदे चलेंगे जी वहाँ पे जाके वो कुछ ना कुछ रेस्क्यू करेंगे, बाकी देखें उस टाइम पे तो उनको चाहिए ना कुछ खाने के लिए चाहिए, कुछ कपड़े चाहिए, कुछ कंस्ट्रक्शन का मटेरियल चाहिए, कुछ ऐसी लेबर चाहिए, जो कि उन्होंने भेजी है सब, अब वो सब चीजें चाहिए, हम कुछ नहीं ना दे सकते बेसिकली। हालांकि तुर्की हमारा अच्छा हमसाया है, हमारा हमारे हमारे साथ उसके बड़े अच्छे फ्रेंडली रिलेशनशिप है, लेकिन अगर हम उनको इस वक्त में जब उनको जरूरत है हम उनको हेल्प नहीं करेंगे तो वो हमारे साथ कैसा उनका रिलेशन रहेगा? वही ना, दोस्ती की यही ऐसे ही तो टाइम होते हैं, नो डाउट मुश्किल वक्त है, इंसानियत सबसे पहले है, कोई भी कंट्री है किसी की हेल्प कर रहा है अच्छी बात है, लेकिन ऐसे टाइम पे आपको नहीं लगता कि एग्जांपल सेट की जाती है दोस्ती की कि लो जी पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती है देखें कैसे एग्जांपल, जब हमारी जेब में कुछ है ही नहीं तो हमारी दोस्ती कम होगी या बढ़ेगी? और जो जिनको हम कहते हैं जी वो इस्लाम के अगेंस्ट हैं, वो मुसलमानों के अगेंस्ट हैं, उनकी दोस्ती बढ़ेगी या कम होगी? इस्लाम के अगेंस्ट तो देखिए वो इस्लाम तो है, वो मतलब नो डाउट वो है, लेकिन देखिए वो इंटरनेशनली उन्होंने अपनी वैल्यू भी तो अपनी वर्थ भी तो बनानी है, वो अगर सिर्फ यही तासुर दें कि भी वो मुसलमानों के अगेंस्ट है तो वो तो फिर इंटरनेशनल, लेट्स सपोज अगर वो मुसलमानों के अगेंस्ट हैं तो फिर वो तुर्की को ना भी हेल्प करते तो उसके अंदर किसी ने उन्हें कुछ पूछना तो नहीं था? नहीं लेकिन यही तो वो वक्त होता है ना जब आपने इंटरनेशनली देखें आप, वो इंडिया जो है वो इस टाइम पे इकोनॉमिकली ग्रोथ कर रहा है, वो ऊपर आ रहा है, ठीक है वो पांचवी वो ठीक है वो पांचवी बन रहा है, पावर बन रहा है, लेकिन वो देखें इस टाइम पे जब आप किसी ऐसी कंट्री को जिसको जरूरत हो आप उसकी हेल्प करते हैं तो ओवरऑल आपको सारी कंट्रीज बाहर वाली भी देख रही हैं, आपको बाहर के मुल्क सारे देख रहे हैं, एक सॉफ्ट इमेज बन जाता है, एक सॉफ्ट इमेज वो तो ऑलरेडी उसका बन रहा है ना कंपैरेटिवली पाकिस्तान से, देखें पाकिस्तान तो हम नीचे जा माइनस में जा रहे हैं, वो तो बड़ा ऊपर जा रहा है, वो तो ऐसा क्या करना चाहिए लास्ट में ये बता दें कि कैसे पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो सकता है, कैसे पाकिस्तान के रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पे, अब तो हम इस्लामिक कंट्री से भी कटते जा रहे हैं, आप इस बात से एग्री करते हैं? नहीं, अब देखें IMF कंट्रोल करने जा रही है पाकिस्तान को भी, सबसे पहले तो हमने IMF से अपनी जान छुड़ानी चाहिए, हमें ये जो हमारा जो सिस्टम है जिसमें अफसरशाही है नौकरशाही है वो हमें उससे बाहर निकलना पड़ेगा, एक AC एक DC आप उसका प्रोटोकॉल देख लें, एक जस्टिस है आप उनका प्रोटोकॉल देख लें, हमें इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें गरीब मुल्क है, हमें अपनी ये जो लग्जोरियस लाइफस्टाइल है इसको चेंज करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा कर्टेल करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को, हम इस सिचुएशन में जो भी हमारे मुल्क में है जो हम डिफॉल्ट करने जा रहे हैं हमें ना करें, लेकिन ये कि सब ये कह रहे हैं कि हम कर भी चुके हैं, हम सबसे पहले हमें सबसे पहले ये सोच लेना चाहिए कि इस मुल्क में क्या कौन सा सिस्टम होना चाहिए, प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, या इस्लामिक निजाम शरी निजाम वो शरी निजाम देख लें, हमारी जो रिलीजियस पार्टीज है पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, वो सिर्फ स्लोगन की हद तक ही रह गया, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा, आप प्रैक्टिकली देख लें क्या हो रहा है, ऐसे ही है, सूद का निजाम है, वो हर चीज है जो इस्लाम के अगेंस्ट है, वो हर चीज पाकिस्तान में पाई जा रही है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान, सबसे पहले अब हमें अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा, जब हम स्ट्रॉन्ग होंगे ना तब ही हमारा इमेज भी बाहर अच्छा जाएगा, हम अपने नेबर्स के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप बना पाएंगे, तभी हम इंटरनेशनली अच्छी तरीके से जाने भी जाएंगे। ठीक हो गया, आपने IMF की बात की है कि हमें बहुत सी शरायत या उनके साथ जो डील हो रही है उसके अंदर मुश्किलात का सामना, बांग्लादेश भी IMF के पास गया लेकिन उन्हें वो अपना उनके साथ डील इजीली कर रहे हैं, हमें हमारे लिए बहुत सी शरायत है, वजह क्या है? आप बांग्लादेश में देख लें जो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल थे वो सारे चले गए छोड़ के पाकिस्तान, वो सारे इंडस्ट्रीज अपनी उन्होंने यहाँ से उठाई हैं, जाके उन्होंने लगा ली, यहाँ पे सिस्टम ही नहीं ना है, यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट ही नहीं है जो रन करे इन सिस्टम्स को, और जहाँ पे देखें यहाँ पे इतने हैवी टैक्स लगाए जा रहे हैं, ना कोई फैसिलिटीज दे रहे हैं, ना कोई फैसिलिटेट कर रहे हैं इनको, तो ऑब्वियसली वो यहाँ छोड़ के बांग्लादेश जाएंगे, बांग्लादेश के लोगों के वहाँ पे रेवेन्यू आ रहा है, वहाँ पे फंड्स आ रहे हैं, यहाँ पे डॉलर का रेट देख लें, वहाँ पे रेट देख लें, तो अफगानिस्तान में रेट देख लें और पाकिस्तान, तो बस यही है ना, बेहतरी की कोई उम्मीद है या नहीं आने वाले 5 साल या 10 साल में? कुछ उम्मीद, बेहतरी की उम्मीद हमें रखनी तो चाहिए, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, प्रैक्टिकली जब तक हम ये नहीं ना डिसाइड करेंगे कि इस मुल्क को चलाना किन्होंने है, गवर्नमेंट कौन सी होगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमें फर्स्ट स्टेप ये है कि हम पहले ये देखें कि क्या निजाम लाएं इस मुल्क में जिससे ये मुल्क चल सके, अभी तो कुछ समझ नहीं ना आ रही कौन चला रहा है, कोई जा रहा है, म्यूजिकल चेयर का सिस्टम चल रहा है, अभी तो कोई पता नहीं चल रहा है ना, पहले तो हमने ये डिसाइड करना है कि हमने करना है क्या इस मुल्क के साथ। सर ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, हमें हेल्प तो करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के हालात कैसे हैं, ठीक है,
हम फाइनेंशियली तो उनकी हेल्प नहीं कर सकते, हर हर बंदे को पता है, ठीक है ना, हम फाइनेंशियली उनको एड दे सकते हैं। हाँ, ये हम दुआ भी कर सकते हैं, और बाकी जो हमारे इधर लोग हैं, रेस्क्यू वाले हैं, जैसे हम ये टीमें वगैरह भिजवा सकते हैं उधर। टीम वैसे मैन पावर की आप बात कर रहे हैं, वो हमने भिजवाई भी है। अच्छा, अगर वैसे बात करें चीज़ों की हेल्प की बात करें, मेडिसिन की हेल्प की बात करें, इंडिया ने सबसे पहले अनाउंस किया कि हम तुर्की की हेल्प करेंगे इंसानियत की बुनियाद पर, और वो उन्होंने दो कंसाइनमेंट बेच भी दी हैं, हेल्प के तौर पर वहाँ पर बेच दी हैं। क्या कहेंगे, हमें तो यहाँ ये तासुर दिया जाता है, यह बताया जाता है इस्लामिक कंट्री के अगेंस्ट है इंडिया, मुसलमान के गेस्ट है, तो फिर तुर्की में सबसे पहले हेल्प के लिए भी पहुंच गए। सर ये बात देखें, आप इस्लामिक कंट्री की बात कर रहे हैं, तुर्की में अभी भी सबसे ज्यादा जो एड है वो गैर मुल्की ही देंगे, ठीक है, वो मुसलमान नहीं होंगे। जर्मनी, फ्रांस, जितने भी ये कंट्रीज हैं, ये मुसलमान कंट्रीज में नहीं आते, लेकिन ये सबसे ज्यादा एड वही लोग देंगे। पाकिस्तान में भी बड़ी एड दी जाती है, यूएस एड के नाम से प्रोजेक्ट चलते हैं, वो आप लेकर फ्रांस ने एड की, वो आप देखते ही हैं कि उस एड का या हमारे हुक्मरान कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आई, क्या वजह, आपने बोला कि भाई वहाँ पे नॉन मुस्लिम कंट्री ही ज्यादा एड करेंगे, यहाँ पे भी ज्यादा नॉन मुस्लिम कंट्री ही हेल्प करते हैं ऐसी सिचुएशन में, क्या वजह है? हम कहते हैं मुसलमान, इस्लामिक ब्रदर, इस्लामिक ब्रदर, लेकिन साथ आप खुद कह रहे हैं कि नॉन मुस्लिम कंट्री ज्यादा हेल्प करते हैं। सर ये देखे ना, उनमें शऊर है, जज्बा है, इंसानियत है उनमें। हम नाम के मुसलमान तो हैं हम, हमारे, मुझे एक बात बताएं, हमारे किसी भी आदमी के, पाकिस्तान में किसी भी आदमी के, कोई भी रेडी वाला है, वो सच बोलता है, ठीक है, मतलब सच तो बोलते हैं, लेकिन ये है कि अगर देखें नॉन मुस्लिम एक तो सच बोलेगा, ठीक है, एक दूसरा वो किसी को धोखा नहीं देगा, ठीक है, अच्छा। हम आपस में एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, ठीक है, हुक्मरान हमें धोखा दे रहे हैं। एक तो ये हमारे जो हुक्मरान है ना, ये सिर्फ चहलकदमी भी अगर करते भी है ना, तो ये बड़े अमीर तरीन इलाकों में करते हैं, जहाँ इनको लगता है कि वो आम तो कोई गरीब है ही नहीं, इनको और लूट लो। ऐसे रिलेशन इंडिया के ज्यादा बेहतर नहीं हो जाएंगे इस्लामिक कंट्री के साथ, जैसे अफगानिस्तान को वो हेल्प कर रहा है, ईरान के साथ उसकी ट्रेड चल रही है, बलोचिस्तान की, अपना बांग्लादेश की बात करें उनके साथ उनकी ट्रेड चल रही है, अब तुर्की के साथ रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, तो ऐसे पाकिस्तान तो आइसोलेट इंडिया नहीं हट के रह गया। सर इंडिया से आप अपना मुवाजना ना करें, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, दुनिया का दूसरा बड़ा कंट्री है जो इंडिया है, आबादी के लिहाज से, इंडस्ट्री के लिहाज से भी, ठीक है, इंडस्ट्री भी देखें, जितनी चाइना में इंडस्ट्री है उतनी उस हिसाब से इंडिया में भी इंडस्ट्री है। इंडिया में इतनी एजुकेशन है, आप किसी भी आउट ऑफ कंट्री चले जाना, हमारे भी उधर हमारे भी बंदे जाते हैं ना पाकिस्तान से बाहर काम करने के लिए, वो मजदूर ही मिलेंगे आपको, चाहे इधर से आप MBA करके जाओ, वो आपको मजदूर ही रखेंगे। उधर जितनी भी सीटों पे लगे हैं, सारे पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, वो बड़े, वो इंडियन मिलेंगे आपको। एजुकेशन एजुकेशन है, एजुकेशन है, उन्होंने एजुकेशन को देखो, हमारे तो इधर बिजनेस है, एजुकेशन हमारे बिजनेस है, इधर गरीब आदमी कौन है जो बच्चा अपना मैट्रिक के बाद अपना पढ़ा सकता है किसी अच्छे कॉलेज में।